हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 4 के साइंस लेसन 1 से फूड एंड न्यूट्रिशन से एक टॉपिक ले रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट। द फूड यू ईट इज कॉल्ड योर डाइट। जो भी भोजन हम लोग खाते हैं वो हम लोगों का डाइट कहलाता है। ए डाइट दैट कंटेन्स राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। और जो भी डाइट हम लोग लेते हैं उसमें सही मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स जब होता है तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। मींस जितना भी हम लोग को शरीर में ज़रूरत है सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का, उसका सही मात्रा में होना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। यू कैन हैव अ बैलेंस डाइट इफ़ यू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। अगर हम लोग अलग अलग प्रकार के भोजन को खाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये बैलेंस डाइट है। Look at the food pyramid, read it carefully and notice that you should eat mostly the carbohydrates shown at the bottom at the pyramid. तो हमें यह बताया जा रहा है कि नीचे जो दिया गया है पिरामिड उसे देखना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है। ये हमें पिरामिड के बॉटम जो सबसे नीचे दिया गया है उससे देखकर पता चलेगा। यहाँ हम देख लेते हैं एक बार पिरामिड को। यू नीड लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड एनफ प्रोटीन। हमें काफ़ी मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल की ज़रूरत होती है, और अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन की भी आवश्यकता है हमारे भोजन में। You should eat the least amount of fats and sugary foods shown at the narrow top of the pyramid. और हमें वैसे भोजन को जिसमें कि फैट्स की मात्रा ज़्यादा है उसे कम से कम खाना चाहिए, जैसा कि पिरामिड में ऊपर दिखाया गया है जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा कम हो गई है। अब एक बार हम पिरामिड को देख लेते हैं। नीचे जो दिया गया है ब्रेड, सरल्स, राइस, ये सब डेली यूज करने वाला चीज़ है जिसे हम प्रतिदिन खाते हैं और इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम जो है। उसके बाद आता है वेजिटेबल्स ग्रुप, ये भी डेली हम लोग यूज करते हैं। फ्रूट्स ग्रुप, ये भी डेली हम लोग खा सकते हैं और खाते भी हैं। उसके बाद आता है मिल्क, योगर्ट एंड चीज़, ये भी प्रतिदिन खाने का चीज़ है। मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, नट्स ग्रुप, ये भी प्रतिदिन लोग खाते हैं, जैसे अंडे हो गए। अब मीट वगैरह तो लोग ये 10 दिन में, 8 दिन में या महीने में खाते हैं, जैसा जिसकी सुविधा होती है। अब ऊपर की ओर आते हैं फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, ये जो है ये कम से कम खाने की चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा खाना ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए पिरामिड में जैसा कि शो करके दिखाया गया है ये सबसे कम मात्रा में यूज किया जाता है। इस तरह से हमने इस वीडियो में बैलेंस डाइट के बारे में जाना और भोजन में हम लोगों को किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और कितनी मात्रा में ज़रूरत होती है इस पिरामिड के द्वारा हमने समझा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।